दोस्तों आपको इंतज़ार था MIUI 10 दोस्तों फाइनली MIUI 10 आज लॉन्च हो चुका है। Xiaomi ने MIUI 10 को लॉन्च कर दिया गया है और वो किस किस डिवाइस के अंदर सबसे पहले आएगा, ग्लोबल बीटा रोम आएगी दोस्तों सबसे पहले, वो किस किस डिवाइस के अंदर सपोर्टेबल डिवाइस मैं आपको सारे बता दूंगा कि ऑफिशियली MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम आएगी सबसे पहले वो किस किस डिवाइस के अंदर आएगी, और ग्लोबल बीटा रोम के बाद स्टेबल रोम आपकी ग्लोबल स्टेबल रोम जो होती है आपके फ़ोन में तो वो कब तक आएगी। सबसे पहले आपको ग्लोबल बीटा रोम का जो रोल आउट होना स्टार्ट है वो कब से होगा एंड स्टेबल कब तक आएगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों ये है पूरा चार्ट, आप देख सकते हैं जो कि ग्लोबल बीटा रोम का ये चार्ट है, कब तक आपको ग्लोबल बीटा रोम मिल जाएगी, और देख सकते हैं ये सारी डिवाइस की लिस्ट है वो आपको इसके अंदर ग्लोबल बीटा रोम देखने को इसके अंदर मिल जाती है सारी डिवाइस के अंदर। आप देख सकते हैं मैं दोस्तों पढ़ पढ़ के नहीं बता सकता, बहुत सारे डिवाइस है आप देख लीजिएगा, ये सारे डिवाइस के अंदर ग्लोबल बीटा रोम सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कब तक रोल आउट होना स्टार्ट होगी, ये आपकी रोल आउट होना स्टार्ट होगी ग्लोबल बीटा रोम जो कि है मिडिल जून, ठीक है ना, मिडिल जून यानी कि दोस्तों 15 जून तक या 15 जून के बाद से आपको रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे सिर्फ डिवाइस के अंदर दोस्तों, जून तक आपके जो है ग्लोबल बीटा रोम आ जाएगी जी डिवाइस के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं पूरे चार्ट के अंदर इन डिवाइस के अंदर आपको MIUI 10 का ग्लोबल बीटा रोम आ जाएगा। और दोस्तों स्टेबल रोम कब तक आएगी, दोस्तों स्टेबल रोम आपकी आएगी ग्लोबल स्टेबल रोम जो कि आएगी आपकी सेप्टेम्बर में, सेप्टेम्बर मिडिल सेप्टेम्बर से आपकी जो है ग्लोबल स्टेबल रोम जो कि रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों बात की जाए MIUI 10 के खास फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों खास फीचर्स इसके अंदर कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे दोस्तों मैं बता भी नहीं सकते कितने सारे फीचर्स हैं दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट फीचर्स बता देता हूँ। तो देख सकते हैं सबसे पहला फीचर्स है जो कि मुझे दोस्तों पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो कि है MIUI 10 का AI पोर्ट्रेट मोड, और जो कि जिस फ़ोन के अंदर आपका कोई भी फ़ोन हो, Redmi 4A या Redmi दोस्तों जो भी सिंगल कैमरे वाले फ़ोन हैं जिसके अंदर एक कैमरा, उसके अंदर भी आप पोर्ट्रेट मोड का DSLR इफेक्ट जो आता है ना बैकग्राउंड ब्लर, वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है बिना कोई एप्लीकेशन के। एंड दोस्तों बताया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होने वाला है और इसके अंदर कोई भी बग्स नहीं होने वाले, यानी कि कुछ हैंग वगैरह प्रॉब्लम एंड बैटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत ही ज़्यादा लाइट है और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिक्स किया गया है एंड इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाली है MIUI 10 की। अब तो बात की जाए और फीचर्स के बारे में जो कि इसके अंदर दोस्तों AI पोर्ट्रेट तो मैंने आपको बता दिया है, और ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट रोम होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड फास्ट है, और इसके दोस्तों फीचर्स काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हैं। और बात की जाए इसके नेक्स्ट फीचर्स एंड यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर फुल स्क्रीन जेस्चर्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको आईफोन 10 के अंदर मिलते थे, आप बिना कोई टच किए जो कि आपके जो टच बटन्स होते हैं उनको बिना दबाए आप स्क्रीन से ही अपने जेस्चर्स आप इस तरीके से करेंगे। आप देख सकते हैं जेस्चर्स यानी कि आप स्क्रीन पर इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो आपका बैक हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा एंड होम प्रेस हो जाता है, जैसे कि आईफोन 10 के अंदर फुल स्क्रीन जेस्चर्स आते हैं तो आपको वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों रिसेंट बार आपको देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है एंड रिसेंट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, दोस्तों मैं बोलूँगा सारे अलग है, आईफोन की कॉपी नहीं की गई है यहाँ पर, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा रिसेंट बार यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ से लिखा हुआ है AI पोर्ट्रेट्स, यानी कि जो कि आपका AI पोर्ट्रेट मोड होता है जो कि बड़े बड़े स्मार्टफोनों में आ रहा है, जैसे कि Redmi Note 5 Pro एंड Redmi Buy 2 आज लॉन्च हो चुका है उसके अंदर, तो दोस्तों आपका सिंगल कैमरा फ़ोन है उसके अंदर भी आपको AI पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे थे न्यू स्मार्टफोन लेने की तो टेंशन ख़त्म हो चुकी है आपकी, उसके अंदर आपको AI पोर्ट्रेट मोड दिया जाएगा, आप DSLR इफेक्ट ले पाएंगे अपने किसी भी फ़ोन के अंदर MI के। एंड यहाँ से आपको कैमरे के अंदर आपको QR कोड स्कैनर देखने को मिल जाता है, डिफ़ॉल्ट कैमरे के अंदर QR कोड स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यहीं से ही आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम वगैरह से पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यही थे कुछ मैंने खास खास आपको फीचर्स बता दिए हैं एंड एक फीचर्स और आपको बताना भूल गया मैं, जो कि इसका साउंड है, साउंड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है एंड नॉइस इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई है। यही तो दोस्तों खास फीचर्स, आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर है, अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएँ। थैंक यू।